सोनभद्र रेणुकूट स्थानीय पुलिस चौकी क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को तीन चोरों को नो बैटरी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नगर व उसके आसपास के क्षेत्रों में आए दिन बैटरी चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। नगर के कई सोलर लाइटों और गाड़ियों की बैटरी चोरी हो रही थी। पीपरी पुलिस उपाधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि नगर व आसपास के क्षेत्र में बीते काफी दिनों से बैटरी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। पीपरी व रेणुकूट नगर पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए सोलर लाइटों की बैटरी चोरी हो जाती थी। बैटरी चोरों के खुलासे के लिए पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया था। पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना मिली कि रेणुकूट रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गैस गोदाम के पास एक बैटरी चोर बैटरी लेकर कहीं जाने की फिराक में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से एक बैटरी पकड़े गए अभियुक्त जुम्मन अंसारी पुत्र नूर लहक अंसारी निवासी वार्ड एक मलिन बस्ती पीपरी ने बताया कि उसके घर पर और भी बैटरी है। उसके घर से पुलिस ने 6 बैटरी और बरामद की है। इसी तरह चाचा कॉलोनी के समीप से सूरज कुमार तिवारी पुत्र स्वर्गीय विजय तिवारी व राजेश कुमार पासी पुत्र अदालत पासी को कार्बन प्लांट से चोरी की गई 2 बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों को धारा 379 व 411 के तहत जेल भेज दिया गया है। ये जो चोर पकड़े गए ये क्या मामला है? ये एक मुकदमा लिखा गया था 85/18 चोरी का, जिसमें कि कार्बन प्लांट से 2 बैटरी चोरी हुई थी। वो बैटरी मिल गई है, बरामद हो गई है। और जो चोरी करने वाले अभियुक्त थे उसमें से एक सूरज कुमार है, दूसरा राजेश कुमार है, दोनों गिरफ्तारी हो गई है। और दूसरा एक मुकदमा था 86/18 जिसमें कि 7 सोलर की बैटरी चोरी हुई थी नगर पंचायत बोले जो ये खम्भे हैं उनमें जो सोलर बैटरी लगी रहती है वो 7 बैटरी बरामद है। और जो चोर था जुम्मन अंसारी है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। नगर पंचायत की है रेल